वैशाली जिला के महुआ में भाई बहन का पवित्र त्योहार गोधन हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान बहने जमीन पर गोबर से बने विभिन्न आकृति बनाई तथा उसकी कुटाई की। बहने पहले भाई को श्राप देती है। दरअसल बिहार और झारखंड में भैया दूज या गोधन कुटाई की अनोखे रस्में की जाती है। इसके लिए बहने सुबह सुबह घर के आंगन में या घर के बाहर गोबर से यमलोक का चित्र बनाती है, जिसमें यम और यमी के साथ सांप, बिच्छू, दीवार आदि बनाया जाता है। जिसके बाद बहने अपने भाइयों को मारने का श्राप देती है और उसके बाद प्रायश्चित करने के लिए अपने जीभ पर रेंगनी का कांटा चुभाती है। इस दौरान बहने यमलोक में रहने वाले प्राणियों की प्रतिमूर्ति बनाकर उसकी कुटाई भी करती है। मान्यता यह है कि भैया दूज के दिन भाइयों को गालियां और श्राप देने से उन्हें यमराज का भय नहीं होता है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार यम और यमनी विचरण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि ऐसे व्यक्ति को यमलोक पहुँचाने का जिसे उसकी बहन द्वारा गाली या श्राप नहीं दिया गया हो। इसी बीच दोनों को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको न तो उसकी बहन कभी गाली दी है और न ही कभी श्राप। वह बहन अपने भाई से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन यम और यमनी उसके भाई की आत्मा को ले जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच बहन को ये बात पता चल जाता है तो उसने अपने भाई को बचाने के लिए पूरी कोशिश की और बिना वजह अपने भाई को खूब गालियां दी और श्राप दिया। ऐसा करने से यम और यमनी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, लेकिन बावजूद यम उसके भाई के प्राण लेने की पूरी कोशिश करता रहा। यम ने पहले उसके भाई पर दीवार गिराया, खाना खाते वक्त सांप और बिच्छू छोड़े, लेकिन हर बार बहन ने अपने भाई के प्राण बचा लिए और उसके भाई का बाल भी बांका नहीं हो सका। उस समय से यह परंपरा चली आ रही है, जिसे गोधन कुटाई या भैया दूज कहते हैं। यह पर्व वैशाली जिला के महुआ के गोविंदनगर, पुरानी बाजार सहित हर गांव में मनाया गया, जहां पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीत भी गाए।